हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी, बीआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्क्वायर एंड रूट का पार्ट थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। गाइस, वीडियोज़ को पूरा देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं एक अच्छे तरीके को यूज़ करने वाला हूँ, अच्छे कंसेप्ट को यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। ये गाइस, हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से पहले हम लोग सीखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो गाइस, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बताना कि कौन सा इनमें से संख्या जो है वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो गाइस, इसका तो बेसिक रूल आप जानते हैं कि डिवाइड करके फाइंड किया जाता है, ऐसे करके स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। तो गाइज, इस तरह से नहीं यूज़ करना है हमको। हम यहाँ पे एक बात को सीखेंगे, दो तीन पॉइंट को सीखेंगे और उसको याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बात है, कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर उसके यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में दो तीन सात आठ अगर हो, यूनिट प्लेस में अगर दो तीन सात और आठ ये नंबर्स होंगे तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या दो तीन सात आठ, इसके अलावा गाइस समझिएगा, एक चार सात नौ, वन फोर सेवन नाइन, अगर डिजिट का सम, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर हम देख रहे हैं उसका अगर डिजिट का सम 1479 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका डिजिट का सम 1479 इन चारों में से ही होता है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो वह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर को बताएगा। गाइस, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, वन का स्क्वायर 01, टू का स्क्वायर 04, थ्री का स्क्वायर 09, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36, सेवन का स्क्वायर 49, एट का स्क्वायर 64, नाइन का स्क्वायर 81 और टेन का स्क्वायर 100। तो गाइस क्या देख रहे हैं कि मेरे पास यूनिट डिजिट में देख रहे हैं वन है या फोर है या नाइन या सिक्स, फाइव सिक्स नाइन फोर वन और ज़ीरो, कहीं पे भी ये नंबर्स कौन कौन टू थ्री सेवन एट नहीं आया। तो इससे हम क्या समझें कि किसी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हमको देखना था यूनिट डिजिट में, ये नंबर्स नहीं होने चाहिए, पहला बात। और जितने भी स्क्वायर होंगे उसका डिजिट सम होगा, ये देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे वन तो है, फोर है, नाइन है, इन दोनों को जोड़ दीजिए सेवन हो गया, इन दोनों को जोड़िए सेवन हो गया, इन दोनों को जोड़िए नाइन हो गया, इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे नाइन फोर थर्टीन, और थर्टीन को क्या लिखेंगे गाइस, वन ऑफ थ्री, मतलब फोर, फोर आ गया। यहाँ पे सिक्स और फोर टेन, और टेन का वन डिजिट सम क्या होगा वन, एट और वन नाइन, और यहाँ पे जीरो है। तो गाइस क्या देखें हम, कि दो पॉइंट हम समझे कि यूनिट प्लेस में मेरा टू थ्री सेवन एट नहीं होना चाहिए और डिजिट सम क्या होना चाहिए 1479। इसके अलावा गाइस, अगर क्वेश्चन में ये दोनों बातें मेरी टैली करती है लेकिन हम फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शन के बीच में, तो हम क्या करेंगे उसके अलावा और पॉइंट समझिएगा, कि कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर चेक करना है तो उसका लास्ट का टू डिजिट को देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट का टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट। गाइज हम सीखे थे अपने पिछले वीडियोस में कि हम लास्ट का दो डिजिट चेक करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने में करते थे, तो वहाँ यहाँ पे भी लास्ट का दो डिजिट देखना। अगर लास्ट का दो डिजिट अगर आपका स्क्वायर में आता है तो वही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि गाइज लास्ट का दो डिजिट में 25, 16, 09, 04, 01, 36, 49, 64, 81, 00, मतलब 0 आएगा तो अगर यूनिट डिजिट में 0 आता है तो वो हमेशा पेयर में आना चाहिए, और बीच में भी आएगा कहीं पे भी यूनिट डिजिट को दो डिजिट को छोड़ करके तो उसके बाद में पेयर में हमेशा 0 है जो पेयर में ही आना चाहिए। मतलब चौथा नंबर क्या याद रखना है कि 0 आपका पेयर में आना चाहिए, 0 जो है वो दो नंबर के पेयर में आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए आपका जोड़ा में यूनिट डिजिट के बाद।
मतलब लास्ट का 2 डिजिट को छोड़ के अगर 0 मिलता है बीच में तो हमेशा जोड़ा में होना चाहिए, मतलब पेयर में होना चाहिए, दो दो के नंबर पे होना चाहिए। और यूनिट डिजिट में हमेशा वही नंबर होगा जो आपके स्क्वायर में आता है। तो इन चारों पॉइंट को आपको सिर्फ याद रखना और बाकी आप देखेंगे कि कैसे आप स्क्वायर जो परफेक्ट नहीं है वो कैसे पता कर लेंगे। जैसे गाइस देखिए, हमने पहले यहाँ पॉइंट देखा कि 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, उसको चेक करना है। देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमको पता क्या करना है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला क्वेश्चन हम कर लिए, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर सकते हैं आप, इसको देख लीजिएगा जोड़ के सब में 1479 आता हुआ गाइस। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ भी पता करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यूनिट डिजिट में क्या देखना है, देखिए गाइस यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो क्या देखें आप कि 2 3 7 8 यहाँ में से कोई भी ऐसा नंबर मैच हमको नहीं किया। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा स्टेप पे कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए गाइस, 1 4 7 9 इन्हीं में से कुछ होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं हम लोग। तो 4 2 6 और 1 7 यहाँ पे डिजिट सम कितना मिला गाइस, 7 7 है यहाँ पे। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, आगे 1 2 3 3 1 4 4 5 9 यहाँ पे डिजिट सम कितना मिला, 9 4 4 4 12 1 13 और 13 को क्या लिखेंगे गाइस, 4। और यहाँ पे 8 7 15 और 6 21 21 को क्या लिखेंगे गाइस, 3। तो देखिए गाइस, मेरा जो डिजिट का सम होना चाहिए 1 4 7 9 होना चाहिए। तो 7 है, 9 है, 4 है, मतलब ये तीनों जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा, 3 जो है ना ये मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब आपका आंसर क्या होगा, यही होगा आंसर आपका। ठीक है गाइस, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ भी देखना आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर देखना। यूनिट डिजिट को चेक कीजिए, 9 9 6 4 देख लिए गाइस। तो फर्स्ट जो आपका था यूनिट प्लेस का नंबर वो तो मैच नहीं किया। सेकंड देखते हैं आपका यूनिट डिजिट को, सॉरी सम ऑफ डिजिट को, 9 1 10 18 18 को क्या लिखेंगे गाइस, 9 लिखेंगे। ठीक है, 8 10 10 19 19 को क्या लिखेंगे गाइस, 1 मतलब 10, और 10 को क्या लिखेंगे, 1 8 14 और 7 21 21 को क्या लिखेंगे गाइस, 3 देख सकते हैं, 3 यहाँ मिल गया, मतलब कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब नीचे जो क्वेश्चन है लास्ट 4 नंबर यहाँ क्या देख रहे हैं कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग है, या परफेक्ट स्क्वायर बताना है गाइस। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में क्या आपको नोट करना है कि पहला बात ये कि 2 3 7 8 तो अगर होगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए कहीं पे यूनिट डिजिट पे दिख रहा, हाँ 3 यहाँ पे, मतलब ये तो आपका आंसर होगा नहीं क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। दो ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया। बाकी के दो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है। आगे हम चेक करेंगे अगर कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए गाइस, 1 4 7 9 इसी में से कुछ होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके अलावा इसके बाद लास्ट का 2 डिजिट हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर के लास्ट में जो आता है वही होना चाहिए। और गाइस 0 हमेशा पेयर में होना चाहिए, लेकिन यूनिट डिजिट का 2 नंबर को छोड़ करके। तो जैसे गाइस हम यहाँ पे देखते हैं, इसका अगर हम देखते हैं लास्ट का 2 डिजिट को क्या बोलेंगे, 49 है, एक स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर के लास्ट में आता है। और ये 09 ये भी 3 का स्क्वायर में आता है, लेकिन इन दोनों को अगर हम छोड़ के देखते हैं तो यहाँ पे 0 क्या पेयर में नहीं है। इन 2 डिजिट को छोड़ के अगर हम देखेंगे 0 पेयर में नहीं है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है गाइस। बाकी आप इसको डिजिट सम करके देख लीजिएगा, आपका आंसर कौन सा बच गया, ये मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, इसको हम कैसे इसका रूट निकालेंगे वो सीखेंगे यहाँ पे। जैसे रूट 5 एक क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको गाइस कैसे फाइंड करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं ऐसे करके, जैसे 5 लिखें, इसके बाद नंबर में हम पेयर में 00 लेके बैठा सकते हैं और उसका रूट निकाल सकते हैं। तो गाइस 5 2 और 2 का मल्टीप्लाई में आएगा 4, माइनस कर दिए बचा 1, 2 नंबर यहाँ उतार दिए गाइस 100, इसका सम कर दिए 4, कितना टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा। ये हो गया 84, यहाँ बचेगा 16, 20, ये हो गया 44, अब 3 टाइम्स लगाते हैं 9, 12 का 2 बचा 1, 13। तो गाइस देखिए इसका जो हम
और डेसिमल के टू डिजिट बाद क्या मिला मेरा 2.23। और गाइस इस ऐसे करके तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपका समय लगेगा, तो हम जल्दी से कैसे बता पाएंगे नॉन परफेक्ट रूट कैसे निकलता है वो सीखते हैं। चलिए देखिए, देखिए गाइस आपको करना क्या है कि ये जो रूट फाइव है तो इससे पहले और इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। मतलब पाँच से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो चार है और इसके बाद क्या है नौ, तो जिसके नियर अबाउट होगा वो नंबर ले लेना है। ये किसके नियर अबाउट है, चार या नौ, तो चार के नियर अबाउट है, तो इसको लिखना आपको ऐसे गाइस, मतलब फोर प्लस वन लिखना है। इस फोर को बाहर कर देना है, मतलब यहाँ इसके लिए फोर के बदले क्या लिखना है टू, ठीक है गाइस। आगे डेसिमल बैठा दिए, इसके लिए वन का वन लिख दिए, और जो जिसको बाहर निकाले गाइस ये फोर के बदले क्या निकला टू, इसको डबल करके डिवाइड कर देना, मतलब इसका डबल क्या होगा फोर, मतलब इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा गाइस 2.25। तो अप्रोक्स में गाइस देखिए 2.23 था, 2.23 था, यहाँ पे 2.25 है गाइस। तो गाइस अप्रोक्स में मतलब आपका आंसर बहुत जल्दी से निकल पाएगा, और इतना और नियर अबाउट है तो गाइस काम चल जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे देखते हैं रूट सेवन को, तो क्या करेंगे इसको, ये नाइन के नियर अबाउट है तो इसलिए क्या लिखेंगे इसमें गाइस, नाइन माइनस टू लिख सकते हैं यहाँ पे हम। तो नाइन के लिए क्या लिखेंगे, इस नाइन के लिए लिखेंगे थ्री, और माइनस, और टू के लिए क्या लिखेंगे गाइस, थ्री का डबल सिक्स, तो वन बाई थ्री, वन बाई थ्री का मतलब थ्री में क्या घटाएंगे 0.33। तो गाइस क्या बचेगा आंसर मेरा 2.67 अप्रॉक्स में बचेगा गाइस, इसका चेक कर लीजिएगा आप लोग, 2.6 समथिंग में आता है। टेन के लिए क्या लिखेंगे गाइस, नाइन प्लस वन लिख सकते हैं, और इस नाइन के लिए हम लिख सकते हैं थ्री, और यहाँ प्लस तो प्लस लिख दिए, और ये वन बाय थ्री का डबल सिक्स, वन बाय सिक्स का वैल्यू क्या होता है गाइज 1.66 समथिंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 3. बोल सकते हैं 16 समथिंग। तो गाइज हमने यहाँ तक सीख लिया, अब थोड़ा बड़ा नंबर को लेके देखते हैं कि इसका हम रूट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके नियर अबाउट में आपको याद रखना है 654 से पहले 625 आता है, 625 आता है एक परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद 676 आता है 26 का स्क्वायर। तो ये किसके नियर अबाउट हम बोल सकते हैं, मतलब दोनों के मीडियम है, मतलब मिडिल में है। तो गाइस हम दोनों में से किसी को भी लेके कर सकते हैं इसको, चलिए इसी को ले लेते हैं 625 को। तो इसको हम क्या लिखेंगे 625 और प्लस कितना ऐड होगा गाइस 29, ठीक। तो इस 625 के लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए 25 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 29 लिखेंगे, और इसका डबल कर देना है, मतलब 50। फाइव के टेबल में लगाते हैं ये 10 बार में, फाइव के टेबल में लगाएंगे ये 4 और 8 बार में, और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस 25.48। पाँच से चार बार में, पाँच पाँच से पच्चीस, सॉरी फाइव हो गए गाइस, यहाँ पे 5.8 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 58 होगा, सॉरी 25.58, ठीक है गाइस। अब हम अपना जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हम लिए हैं डेसिमल में है, रूट निकालना है। तो गाइस चलिए इसको हम देखते हैं कैसे इसका रूट निकालते हैं जो डेसिमल में होगा। तो आप क्या बोलेंगे इसका आंसर कि रूट अंडर रूट 0.4, इसका आप अगर रूट निकालना है तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, आप 4 के बदले क्या बोलेंगे 2, मतलब 0.2 बोलेंगे क्या इसका आंसर, और इसका क्या बोलेंगे 0.3। तो गाइज अगर आप 0.2 और 0.3 इसका आंसर बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो करना क्या है गाइज इसमें समझिएगा थोड़ा, देखिए आपको एक बात समझना है कि जब भी अगर पॉइंट में अगर रूट दिया हुआ है तो रूट हमेशा ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके डिजिट लिखा हुआ मान लेते हैं, तो हमेशा गाइज डेसिमल से अगर जब भी हम रूट निकालते हैं तो हमेशा वो पेयर में निकलेगा। कहने का मतलब है दो डिजिट अगर पॉइंट में है तो वो बाहर एक डिजिट को लेकर के आएगा, और चार डिजिट में है तो वो दो डिजिट को बाहर लेकर आएगा, और छः डिजिट में तो तीन, आठ है तो मतलब चार। जैसे यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं टोटल कितना पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो टोटल अंदर में रूट में छः डिजिट है, तो बाहर अगर आंसर आएगा तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा तीन डिजिट, मतलब 0.ABC बोल सकते हैं अगर हम। तो गाइस तो आपको ये चीज़ नोट करना है कि अगर रूट हम निकालते हैं डेसिमल में तो उसको पहले हमको पेयर में बनाना है।
तो यहाँ पे ये फोर क्या पेयर में नहीं है, इसका मतलब इसके बगल में हम क्या देंगे एक जीरो, तो इससे क्या बन जाएगा पेयर बन जाएगा। तो अब बताइए 40 का परफेक्ट स्क्वायर है, बोलेंगे नहीं। तो अभी हम जस्ट सीखें परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होता है तो उसका रूट कैसे निकालते हैं। तो 40 से पहले क्या होता है 36 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इस 36 के बदले हम क्या लिखेंगे गाइस 6, और प्लस इस 4 के बदले 4 रख दिए और इसका डबल कर दीजिए मतलब 12। तो गाइस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 6.13 का मतलब 0.33, इसका आंसर क्या होगा 6.33। चूँकि पॉइंट यहाँ पे क्या देखना आपको, ये आंसर आपका पॉइंट में, तो ये पॉइंट यहाँ से क्या कर देंगे पॉइंट यहाँ लगा देंगे, मतलब 0.633 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस 0.9, मतलब इसको पेयर बनाने के लिए एक जीरो दे दी यहाँ पे 90 हो गया। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं 81 प्लस 9, और 81 के बदले क्या निकाल देंगे बाहर 9, और ये प्लस 9 और इसका डबल गाइस तो बोलेगा 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा गाइस 9 और 1/2 मतलब 0.5 मतलब 0.5। तो पॉइंट कहाँ लेना है गाइस, बिल्कुल इसका आगे लेना है, मतलब यहाँ से पॉइंट हटा करके यहाँ ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट के पहले तो जीरो लगा हुआ, पॉइंट के पहले जीरो लगा हुआ है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या आएगा डेसिमल के बाद आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया रूट 0.9 का आंसर क्या बोलेंगे 0.95 समथिंग। गाइस यहाँ पर क्या देखते हैं, तो ये नंबर जो आपका है 1, 2, 3 नंबर है, इसको तो पेयर में रखना होगा, ये अगर पेयर में तो इसको भी पेयर में रखना होगा। तो इसको पेयर में रखने के बाद पूरा नंबर को क्या पढ़ेंगे 640 पढ़ेंगे गाइस। तो 640 को पहले और 640 के बाद का नंबर लेना है, मतलब 625 और प्लस 15 बोल सकते हैं हम, तो इस 625 के बदले 25 प्लस 15 और 25 का डबल 50, 5 का पहाड़ा में ये 10 बार में, 5 का पहाड़ा में ये 3 बार में। तो गाइज इसका आंसर क्या बोल सकते हैं हम, तो 25 पॉइंट मतलब ये कितना हो जाएगा 0.3। तो हमको पॉइंट कहाँ लेना है गाइज आगे में लेना, मतलब 0.253 हो जाएगा इसका आंसर। ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से सीख लिया, और आगे क्वेश्चन गाइस हम करेंगे जो एग्जाम्स में आपका प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और आने वाले एग्जाम्स में उसकी जो संभावना है कि कौन से जो क्वेश्चन जो रिपीट होंगे वैसे क्वेश्चन को हम लेंगे गाइस। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पर पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए गाइस थैंक यू।